देख रहे हैं कोटद्वार न्यूज। जिलाधिकारी हरिद्वार कमेंद्र सिंह ने कल रोडवेज बस स्टैंड का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान बस स्टैंड के प्रतीक्षालय, शौचालय, खड़ी हुई यात्री बसों, इंदिरा अम्मा भोजनालय और पूछताछ काउंटर सहित पूरे परिसर का गहनता से निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान रोडवेज परिसर में गंदगी, हाईटेक शौचालय की बदहाल व्यवस्था देखकर रोडवेज एआरएम से सख्त नाराजगी जताते हुए सफाई व्यवस्था ठीक करने के निर्देश दिए। साथ ही इंदिरा अम्मा भोजनालय की व्यवस्था को और अधिक बेहतर बनाने और खाने के लिए ब्रेकफास्ट आदि की भी व्यवस्था करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान उप जिलाधिकारी अजयवीर सिंह, एआरएम सुरेश सिंह चौहान सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। क्या है उसमें? ये तो बस खाली पड़ा है। अरे तुम्हारे जो पास में किट है वो कहाँ है? खाली है, कुछ नहीं है। नहीं, वो वहाँ से देते हैं सर, बैग वाइज से ना, जहाँ से मिलता है लेकर आपको अभी ले बोलिए ना। अभी गाड़ी पहले ले गाड़ी मशीन ले ली तो ले। Oh.